नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। स्वागत है आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम एक सर्किट बनाएंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट वोल्टेज रेगुलेटर। ये सर्किट हम इसमें इनपुट देंगे 12 वोल्ट और इसका जो आउटपुट है उसमें हम 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट तक आउटपुट हम पा सकते हैं। और जो इंडिकेटर हमने लगाया है वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है। अगर रेड ऑन हुआ तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है 3 वोल्ट, अगर येलो जलने लगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है 6 वोल्ट, अगर ग्रीन जलने लगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा 9 वोल्ट, अगर ब्लू जलने लगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा 12 वोल्ट। तो फ्रेंड चलिए अब हम इस सर्किट को बनाते हैं। तो हम इसके लिए लेंगे पीसीबी, एलएम 317 का वोल्टेज रेगुलेटर, अब इसको इसमें सेट करते हैं। अच्छा, अब हमारा ये तो कनेक्ट हो गया। अब हम लेते हैं 1K का रेजिस्टर, इसका जो है इधर का ये वाला साइड है वोल्टेज इन का पिन, बीच वाले का है एडजस्ट करने का पिन, और ये जो पिन है ये है वोल्टेज आउट का पिन, मतलब कि यहाँ से हम वोल्टेज आउटपुट लेंगे। तो अब हम एक 1K का रेजिस्टर इसके आउटपुट से इसके एडजस्ट वाले पिन, मतलब ये वाला पिन और ये वाला पिन, इन दोनों के बीच एक 1K का रेजिस्टर हम लगाएंगे। अब हम लेंगे 10K का प्रीसेट जो कि वोल्टेज को, इसके जो आउटपुट वोल्टेज है उसको एडजस्ट करने में ये हमारा हेल्प करेगा। तो हम इसको सेट करेंगे इसमें। ये हो गया। अब इसका जो मिडिल पॉइंट है उसमें एक वायर कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करते हैं, जो एडजस्ट वाला जो पॉइंट था उसमें कनेक्ट करते हैं, और इसका जो दूसरा पिन है इन दोनों में से कोई एक को हम लेंगे नेगेटिव सप्लाई। इसका जो इनपुट का जो पॉइंट है उसमें हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। अब जो प्रीसेट हमने कनेक्ट किया था उसका एक पॉइंट में हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। अब लेंगे 4 एलईडी, इसको पीसीबी में सेट करते हैं। ये जो 4 एलईडी है ये जो कनेक्ट होगा ये सब सीरीज में कनेक्ट होगा, मतलब कि इस एलईडी का जो पॉजिटिव है वो इस एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये हो गया। अब हम इसको सोल्डर कर देते हैं। हमारा जो न्यूट्रल यहाँ पर है अब हम इसको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं 220 ओम्स का रेजिस्टर, इसको ये जो रेड एलईडी है इसके पॉजिटिव से और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसका एक पॉइंट को इस एलईडी के पॉजिटिव में और दूसरे एक पॉइंट को आउटपुट के जो पॉजिटिव है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। अब हम 3 1K का 1 किलो ओम्स का 3 रजिस्टर लेंगे, लेके हर एक रजिस्टर को हर एक एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ से लेकर जो आउटपुट का जो पॉजिटिव है वहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, मतलब कि आउटपुट का जो पॉजिटिव है वो और एलईडी का जो पॉजिटिव है उसमें रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं।
जलने लगेंगे तो इसका आउटपुट का वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। अगर ब्लू एलईडी ऑफ हो जाता है और ये तीनों एलईडी जलते हैं तो इसका आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी 9 वोल्ट का है। अगर ग्रीन बंद हो जाता है और ये रेड और येलो जलते हैं तो इसका आउटपुट का वोल्टेज अभी 6 वोल्ट है। अगर येलो बंद होता है और रेड जलने लगता है सिर्फ तो इसका आउटपुट का जो वोल्टेज है वो अभी 3 वोल्ट है। तो इसी हिसाब से हमारा जितना भी हमें रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ एक वोल्टेज रेगुलेटर का हम यूज़ करके। और इसका जो लोड करंट है वो है मैक्सिमम 1.5 एम्पीयर तक ये लोड ले सकता है।